अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन्स को कि सर्च इंजन की कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन से सर्च इंजन्स हैं और उनमें से कौन से द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। अगर हम बात करें सर्च इंजन के हवाले से, सर्च इंजन की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो आमतौर पर लोग जानते हैं वो गूगल का सर्च इंजन, जबकि गूगल के सर्च इंजन के अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो गूगल के अपने भी हैं और अदर सर्च इंजन भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने कोई वीडियो सर्च करनी होती है तो हम यूट्यूब के सर्च इंजन को यूज़ करते हैं, और अगर हमने कोई लेट से कोई लोकेशन सर्च करनी है तो उसके लिए हम गूगल मैप को यूज़ करते हैं। गूगल मैप भी एक सर्च इंजन है। और इसके अलावा लेट से हमने कोई क्वेश्चन आंसर सर्च करने हैं तो उसके लिए भी अलग से एक सर्च इंजन है, जिसको यूज़ करके हम अपने सवालात के जवाबात या हमारे जैसे सवालात ढूंढ सकते हैं कि वो ओवर द पीरियड कितने लोगों ने उस तरह के सवालात किए और उन पर क्या क्या जवाब आता है। तो सर्च इंजन के हवाले से हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं। जो फ़िलहाल द मोस्ट पॉपुलर हैं उनमें गूगल, याहू, यूट्यूब, MSN और बिंग और इस तरह के सर्च इंजन हैं। कुछ सर्च इंजन जो बहुत पहले इमर्ज हुए थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं और उनकी जगह अब नए सर्च इंजन आ चुके हैं, या वही पुराने सर्च इंजन वो इवॉल्व होकर न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करके अब ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ हो रहे हैं। सर्च इंजन के हवाले से अगर हम कैटेगराइज करें तो डिफरेंट टाइप्स हैं सर्च इंजन्स की। उनमें से द मोस्ट पॉपुलर टाइप है वो है जनरल सर्च इंजन, मीन्स के वो सर्च इंजन जिनमें आप किसी भी किस्म की चीज़ को सर्च कर सकते हैं, किसी भी किस्म के टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, वो जनरल पर्पस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल का सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन। तो इन सर्च इंजन्स में आप चाहे तो इमेजेस सर्च कर लें, कोई टॉपिक सर्च कर लें, वीडियो सर्च कर लें, टेक्स्ट सर्च कर लें, आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट यू वांट टू सर्च आउट यू कैन सर्च। तो ऐसे सर्च इंजन्स को हम जनरल सर्च इंजन्स कहते हैं। जनरल सर्च इंजन के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिनको हम कैटेगरी स्पेसिफिक सर्च इंजन्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्यूमेंट सर्च इंजन, गूगल का अपना एक सर्च इंजन है जहां पर सिर्फ आप डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक स्लाइड शेयर है जहाँ पर आप पावर पॉइंट स्लाइड्स या PDF सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा बुक सर्च इंजन्स, मीन्स ऐसे सर्च इंजन जहां पर आप किसी भी किस्म की बुक को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, PDFDrive.com ये एक सर्च इंजन है जहां पर आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मिलेंगी और वहां पर आप बुक्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल का भी बुक सर्च इंजन है, वहां पर आप बहुत सारी बुक सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब सर्च इंजन्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान में Rosie.pk द मोस्ट पॉपुलर जॉब सर्च इंजन है, वहाँ पर आप किसी भी जॉब कैटेगरी से रिलेटेड जॉब को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सर्च इंजन हैं, ऐसे सर्च इंजन जहाँ पर आप सवालात और जवाबात को सर्च कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे इस सवाल से रिलेटेड किसी और शख्स ने कोई कभी सवाल पूछा है, अगर किसी ने पूछा है तो उससे रिलेटेड कितने लोगों ने जवाबात दिए हैं, तो इस तरह आप पहले शख्स नहीं होंगे, माइट बी और कोई शख्स हो सकता है जिसने इस तरह का सवाल सोचा हो और पूछा हो और बहुत सारे लोगों ने उस सवाल के जवाब दिए हों। तो आप इस तरह के सर्च इंजन पे जाके सवालात को सर्च कर सकते हैं और उनके जवाबात को भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, askme.com और कोरा एक वेबसाइट है जहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा पेटेंट सर्च के इंजन्स भी हैं, अगर आपने कोई पेटेंट रजिस्टर करना है तो आप देख सकते हैं कि अभी तक उस तरह का कोई पेटेंट रजिस्टर हो चुका है या नहीं हुआ, या इससे रिलेटेड कौन कौन से पेटेंट रजिस्टर हुए हैं, तो इस तरह के सर्च इंजन पे जाके आप पेटेंट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह पीपल सर्च इंजन भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आप कंपनीज के CEOs या डायरेक्टरी सर्च इंजन भी अवेलेबल हैं हमारे पास। जैसे कि ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में हमारे पास फोन डायरेक्टरीज होती हैं, इसी तरह डायरेक्टरी से रिलेटेड भी सर्च इंजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉल की आपने डायरेक्टरी सर्च करनी है या डॉक्टर्स की डायरेक्टरी सर्च करनी है, इस तरह
इनडायरेक्टरी से रिलेटेड भी सर्च इंजन अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके डायरेक्टरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये कि हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी स्पेसिफिक सर्च इंजन हैं, जबकि हमारे पास जनरल सर्च पर्पस इंजन्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो अगर आप जानते हैं कि उस स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड कोई सर्च इंजन है तो आप वहाँ पर जाके सर्च करेंगे तो दैट सर्च विल बी मोर इफेक्टिव। अदरवाइज आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अ जनरल सर्च इंजन। अगर हम इन सर्च इंजन्स को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि गूगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। गूगल के पॉपुलर होने की बहुत सारी वजूहात हैं। गूगल एक जनरल पर्पज सर्च इंजन है और गूगल ने इसके अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक सर्चेस को भी इनेबल किया हुआ है। आप गूगल के अंदर इमेज सर्च कर सकते हैं, वीडियो सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, आप गूगल में बुक सर्च कर सकते हैं। सो एनी काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू सर्च, गूगल में उसकी कैपेबिलिटी अवेलेबल है। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग गूगल को सर्च करते हैं। और अगर हम गूगल की सर्चेस को देखें तो पर मंथ के लिहाज से 100 बिलियन सर्चेस गूगल में होती हैं, और इसका मतलब है 100 बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। हर एक सर्च एक रैंकिंग के हवाले से एक अपॉर्चुनिटी है। कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रैंक कर सकती है और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि गूगल एक मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है इन द वर्ल्ड। और गूगल के बाद जो द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है वो बिंग। अगर हम US मार्केट के हवाले से बात करें कि ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर बिंग रिटेन करता है, और जबकि गूगल अप्रॉक्सीमेटली 70% मार्केट शेयर रिटेन करता है। और बिंग की सेकंड पॉपुलर होने की वजह ये है कि ये MSN से इवॉल्व होके सर्च इंजन लॉन्च हुआ है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का है और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बिंग का सर्च इंजन भी आता है, तो इस वजह से ये काफ़ी यूज़ होता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सर्चेस के हवाले से कंपेयर करें तो यूट्यूब बिंग से ऊपर है, और यूट्यूब में जो वॉल्यूम ऑफ सर्चेस होती हैं वो बिंग से भी ज़्यादा होती हैं। एक सेकेंड में यूट्यूब में अप्रॉक्सीमेटली 70,000 सर्चेस होती हैं, और जो कि बिंग की सर्चेस से भी ज़्यादा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम गूगल के बाद यूट्यूब इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। इसके अलावा बहुत सारे और सर्च इंजन हैं जिनमें कोरा है। कोरा पे आप बहुत सारे डिफरेंट सवालात और उनके जवाबात को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली लोग अपने क्वेश्चंस को रेज करते हैं, और लोग और जिन लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या उनके जवाब देना चाहते हैं वो यहाँ आकर उनके जवाब दे सकते हैं। और कोई भी यूज़र कोरा पे आके सवालात को पोस्ट कर सकता है, सवालात को सर्च कर सकता है, उन सवालात के जवाबात को भी ढूंढ सकता है। तो इस तरह ये एक वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्च इंजन है जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स नॉर्मली सर्च होते हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल सर्च इंजन है जिनमें बेदू सर्च इंजन है। ऑल्दो के गूगल दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है, लेकिन चाइना में गूगल पॉपुलर नहीं है। चाइना का अपना सर्च इंजन है जिसका नाम बेदू है। यहाँ पर लोग चाइनीज़ लैंग्वेज में सर्चेस करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू गूगल। इसके अलावा इंटरनेट आर्काइव एक सर्च इंजन है। ये एक लाइब्रेरी टाइप सर्च इंजन है जिसमें ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत सारे कैटलॉग्स मेंटेन करें और वहाँ पर वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन, कंपनीज की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ों को वो लाइब्रेरी की फॉर्म में, कैटलॉग की फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट की हिस्ट्री को देखना चाह रहे हैं, और अगर वो वेबसाइट इंटरनेट आर्काइव में है तो आप उस वेबसाइट की हिस्ट्री को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक जब लॉन्च हुई थी उस वक्त कैसी थी, और फिर वक्त के साथ साथ ये कैसी इम्प्रूव हुई, इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, तो आप इंटरनेट आर्काइव पर जाके देख सकते हैं। और अगर कोई वेबसाइट डिलीट हो गई है और उसका स्नैपशॉट इंटरनेट आर्काइव पे है तो आप वो भी वहाँ पे देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो डिलीट हो चुकी है वो पहले कैसी थी, और उससे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे होगी। तो इंटरनेट आर्काइव एक कैटलॉग बेस्ड सर्च इंजन है, एक लाइब्रेरी टाइप सर्च इंजन है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सर्च इंजन है जिसको हम डक डक गो कहते हैं। ये सर्च इंजन प्राइवेसी फोकस्ड है,
जबकि अदर सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, वो प्राइवेसी फोकस नहीं है, वहाँ पर यूज़र की एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जाता है और बाद में मार्केटर्स उन एक्टिविटीज़ के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट करते हैं। जबकि डकडकगो में यूज़र की प्राइवेसी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और वो यूज़र जो अपनी प्राइवेसी के हवाले से काफ़ी कंसर्न रखते हैं वो इस पर्टिकुलर सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन होते हैं, लोगों की सर्च कैटेगरी के लिहाज से डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं। आप अपनी सर्च कैटेगरी के लिहाज से स्पेसिफिक सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक सर्च इंजन पे SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के तरीके हैं, तो जिस पर्टिकुलर सर्च इंजन पे आप अपनी एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं उस सर्च इंजन पे आप अपनी SEO कर सकते हैं और आप अपनी कंटेंट की, अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँ कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।